गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम अगेन टू द ईवीएम क्लासेस. नाउडेज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेट्स. यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स एंड क्वेश्चन ऑफ सबसेट्स. नाउ वी वांट टू टेक अदर टॉपिक इंटरवेल. वेलकम अगेन टू द ईवीएम ऑनलाइन क्लासेस. देखिए बच्चे, आज हमने ओपन इंटरवेल और क्लोज इंटरवेल से पहले इंटरवेल की जरूरत क्यों पड़ी. हमें जरूरत इसलिए पड़ी, जैसे हमने सेट ऑफ रियल नंबर लिखे. हम अब सेट ऑफ रियल नंबर लिखे तो देखो बच्चे, रियल नंबर क्या लिखा है हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट इज द रियल नंबर. अभी कहते सर ये नेचुरल नंबर भी होते हैं. यस, ये अच्छे से लिखे नहीं गए भाई रियल नंबर. क्यों नहीं लिखे गए रियल नंबर? बेटा यहाँ पर हमने 1, 1.1, 1.2 ऐसे 2, ये 3, ये ऐसे ये नहीं लिखे. चलो हम इनको लिख भी दें तो हमारे पास फिर 1.11, 1.21 ऐसे छूट गए. तो इस तरह हम लिख नहीं पाएंगे रियल नंबर को एग्जैक्टली सेट के रूम में. तो उसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इंटरवल बनाए. इंटरवल दो टाइप के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल. ओपन इंटरवल में दोनों सिंबल एक स्मॉल ब्रैकेट होती है और क्लोज इंटरवल में दोनों में लार्जेस्ट ब्रैकेट होती है दोनों तरफ. ये क्या कैसे यूज किया गया भाई? ओपन इंटरवल पढ़ते हैं हम, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर. ए बी कोई रियल नंबर है, क्योंकि आप रियल नंबर को डिफाइन करने के लिए इंटरवल पढ़ रहे हैं. और एक नंबर दूसरे से लेस है, ए लेस देन बी है. द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ओपन इंटरवल इफ एक्स की वैल्यू इसके और इसके बीच में लाई करे. यानी कि यहां पर इक्वल साइन नहीं है. जैसे आप नहीं कहते ओपन एरिया, तो ओपन एरिया में क्या होता है, चारों तरफ खुला एरिया होता है, वॉल इंक्लूड नहीं होती. तो जैसे यहां पर ए से बी है तो यहां पर दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. क्या कहलाएगा? ओपन इंटरवल. जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए क्वेश्चन, आप -5, 2, +5 है, ये इंक्लूड नहीं है तो इसको इंटरवल में लिखना है. तो क्या लिखोगे? -5, 2, +5 ये ऐसे लिखोगे. अब जैसे यहां पर है क्या, जैसे यदि यही होता हमारे पास तो दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल के अंदर बेटा ये दोनों इधर वाले इंक्लूड नहीं होते, यानी -5 और +5 इंक्लूड नहीं है. माइनस कितना आएगा? -4.999 से लेकर कितना +4.999 तक इंक्लूड है, लेकिन -5 + 5 इंक्लूड नहीं है. दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, यानी कि इसके अंदर ये वाल इंक्लूड नहीं है. ऐसे क्लोज इंटरवल है. क्लोज इंटरवल क्या होता है? लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए बी से लेस है. द सेट ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल इफ ये इंक्लूड हो जाए. यहां पर ये इंक्लूड है तो इंक्लूड है तो ये कहलाएगा क्लोज इंटरवल. जैसे यहां पर है कि ये इंक्लूड है, दोनों में इंक्लूड निशान है, तो इसको हम लिखेंगे क्लोज इंटरवल. क्या लेंगे इसको आप? क्लोज इंटरवल. ओके, ऐसे हमारे पास क्या है कि भी ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसको कहलाते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म को हमने ये रोस्टर फॉर्म में लिखा है. ऐसे यदि आप ये रोस्टर फॉर्म है, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, लेकिन इनको हम कुछ एरिया सेमी क्लोज सेमी ओपन बोल देते हैं. सेमी क्लोज या सेमी ओपन ये होता है कि एक तरफ तो क्लोज और एक तरफ ओपन हो. जैसे यहाँ पर क्लोज है ये ओपन है तो इट इज कॉल्ड सेमी क्लोज. यहाँ पर ये क्लोज है ये ओपन है तो इट इज कॉल्ड सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन बोल दो, एक ही बात है. इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है तो ऐसे लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई? टू से तो ग्रेटर और एट से लेस इक्वल.
एट इंक्लूड है लेकिन टू इंक्लूड नहीं है। ऐसे बेटा यहाँ पर इसको लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की वैल्यू क्या होगी थ्री और ट्वेल्व दोनों इंक्लूड है तो ये आएगा। ऐसे यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स वैल्यू क्या होगी थ्री टू सिक्स, ये आ गया हमारे पास। तो इसको हम बोलते हैं ये जो हमारे पास ये रोस्टर फॉर्म, इसको सेट बिल्डर फॉर्म लिख दिया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म लिख दिया, इसको हमारे पास बेटा दैट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि दोनों के ये दोनों इंक्लूड नहीं होते, इनके बीच वाली वैल्यू इंक्लूड होती है, और ये होते क्लोज इंटरवल, ये दोनों तो बीच वाली तो इंक्लूड होती ही होती है, दोनों भी इंक्लूड होती है। यदि आप एक तरफ ओपन और एक तरफ क्लोज लगाए तो उसको हम क्या बोलते हैं सेमी क्लोज सेमी ओपन। ओके तो आज इतना ही करेंगे हम, आज कल करते हैं। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।